हमारे साथ कई युवतियां हैं, इनसे हम जानेंगे। इन्होंने आज संकल्प लिया है लंबी उड़ान, ऊंची उड़ान के लिए। झारखंड के ये तमाम बच्चियां हैं और पारंपरिक वेशभूषा में हैं। आज ये तमाम जो लड़कियां हैं अलग अलग तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए, अपना परफॉर्मेंस दिया। क्या नाम है? सुनीता कुमारी। सुनीता जी, आज युवा दिवस है, संकल्प भी लिया, गुब्बारे भी छोड़े और एक मैसेज मिला कि एक लंबी उड़ान भरनी है अपने राष्ट्र और देश की सेवा के लिए। क्या संकल्प लिया और क्या सोचते हैं, किस क्षेत्र में भविष्य बनेगा, क्या करना चाहती हैं? आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपका क्या? सार्थी कुमारी। एक युवा के तौर पर क्या करना चाहेंगे देश के लिए और क्या संकल्प लिया आज? आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि अपने राष्ट्र और देश को दोनों को देखते हुए आगे बढ़ना है और हम लोगों को देश का नाम रोशन करना है और अपने गांव क्षेत्र को भी आगे बढ़ाते हुए जाना है। कितना टाइम लगा था ये तैयारी में? आज पूरा पारंपरिक वेशभूषा में है आप लोग। ऐसे तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि हम लोग पहले भी ये कर चुके थे, तो उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। क्या नाम है आप? मेरा नाम मल्लिका कुमारी है। कहाँ पढ़ती हैं? मैं केजीवी सोनाहतु में पढ़ती हूँ। कितना विकास हुआ केजी आने के बाद और उससे पहले जब गांव में थी, आप घर पे थी, क्या बदलाव देखती हैं अपने आप? मैं जब गांव में थी या फिर घर में थी तो उतना बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं स्कूल आई तो मुझे इस बाहरी दुनिया के बारे में पता चला कि ये दुनिया कैसा है, या फिर अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिला मुझे और इसी मौका के कारण आज मैं यहाँ भी आई हूँ और मैं और आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। क्या है एम, आगे क्या बनना? ऐसे तो डांस भी कर लेती हूँ, बट मेरा सपना डॉक्टर का है ताकि मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ। केजी विद्यालय में देखते हैं अलग अलग तरह की, जिसमें जो टैलेंट है उसे आगे बनाते हैं। ढोलक बजा के भी लड़कियाँ बहुत नाम रोशन कर रही हैं, तो आपके विद्यालय में भी है कोई ऐसी लड़कियाँ जो ढोलक उलक बजाती हैं? हाँ, बजाती है, हमारे ही ग्रुप से है और फिर और भी हम लोग से जूनियर्स हैं, उनको भी आता है। आपका क्या नाम है? बसंती कुमारी। क्या बनना है आगे? बनना तो डांसर ही है, बट पता नहीं कहाँ तक सफल होगा। क्या नाम है आपका? रेवती कुमारी। आज युवा दिवस है, पता है? यस सर। क्या बनना है, क्या करना है देश के लिए? मैं देश के लिए सेवा करना चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं पूरे देश के लिए एक सुरक्षा प्रदान करना चाहती हूँ। आपका क्या नाम? उषा कुमारी। आज आपने गुब्बारा छोड़ा, एक संकल्प लिया कि लंबी ऊंचान भरनी है, लंबी ऊंचाई पर जाना है। क्या है मन में जो बनना है, करना है, और अब तक क्या देख रहे हैं, कितना डेवलपमेंट अपने आप में देख रहे हैं? मुझे पुलिस बनना है और देश की रक्षा करना है। आप भी केजी विद्यालय में पढ़ती हैं? हाँ। कैसा डेवलपमेंट है वहाँ आकर के? पहले गांव में जब थी तब कैसा लगता था, अब कैसा लगता है? यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बट गांव में मतलब दो तीन जगह स्कूल गए थे। गांव में 1 से 5 क्लास तक था, उसके बाद सालुगडी स्कूल जाते थे, वहाँ पढ़े थे 6 से 8। उसके बाद मेरा एडमिशन प्लीज स्कूल में हुआ, वहाँ 9 से 10 तक पढ़े, उसके बाद मेरा एडमिशन केजीबीबी सोनाहतु में हुआ। कोई ऐसा आदत जिसको आप संकल्प लें कि हम छोड़ देंगे, इससे हमारे लिए कुछ खराबी होता है, मोबाइल ज़्यादा देखना, टीवी ज़्यादा देखना, गाना ज़्यादा सुनना, कोई ऐसा चीज़ जो आज युवा दिवस के दिन आप संकल्प लें कि ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन और अच्छे से आगे बढ़ेगा, जो एम है उसको हम चाहेंगे? जी नहीं, हम मोबाइल का उतना यूज नहीं करते हैं, गाना भी नहीं सुनते हैं और टीवी भी नहीं देखते। बातचीत करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम संगीता कुमारी। आप में क्या ऐसा चीज़ है जिसको आप चाहेंगे कि आज के दिन हम संकल्प लें और उसको छोड़ दें? ज़्यादा सोना, एग्ज़ाम सामने और ज़्यादा सोते हैं। अच्छा, नींद बहुत आती है तो आगे इसको कम करना है। हाँ। युवा दिवस के दिन ये संकल्प ले रहे हैं आप? नहीं लिए हैं, अब ले रहे हैं। अब लेंगे। हाँ। क्या मैसेज होगा युवाओं के लिए आपके तरफ से? आप भी एक युवा हैं, आज युवा दिवस है। मैं आज युवाओं के नाम के दिन सभी युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी
हमारा जो क्षेत्र है ये इंटरनेट पे बहुत अधिक ध्यान दे रहा है, तो इंटरनेट से हमें अधिकतर हानियाँ भी होती है, लाभ तो है बट उसके साथ हानियाँ भी है, जैसे कि मोबाइल एक इंटरनेट है तो उसके माध्यम से हमें पढ़ाई ऑनलाइन क्लास भी अच्छी से चल जाती है, बट उससे अधिक हमारा ध्यान गेम या कुछ उल्टा प्रोग्राम में अधिकतर हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे कि सीरियल वीडियो वगैरह देखना, तो टाइम वेस्ट होता है, उससे कुछ नॉलेज नहीं। नो सर, तो इसलिए मैं आज युवाओं के दिन यही बोलना चाहती हूँ युवाओं को कि इंटरनेट का प्रयोग करें बट सही मामले में, गलत नहीं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं खेल के मामले में भी कबड्डी में बहुत अच्छी हूँ, तो इसके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि अपनी जो कबड्डी टीम है उस पर आगे जाना और राष्ट्रीय इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना। यस सर। तो आपने सुना सिल्ली के इस गांव के बच्चियों को जो युवा हैं, युवा दिवस पर उनका एक अलग मैसेज भी है, कई ने संकल्प लिया कि एक बुरी आदत छोड़ने से उनके जीवन में कई रास्ते खुल सकते हैं और जो उनके एम है उसे वो पा सकते हैं। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप सिल्ली। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।